जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोग को ले जा रहा हूँ नौगांव का स्टेडियम। ठीक है, नौगांव में एक ही स्टेडियम है सबसे बड़ा, वो स्टेडियम का नाम है नूरुल अमीन स्टेडियम। उसमें हर खेल होता है, ठीक है, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, उसमें सारा गेम होता है। और मैं आज जा रहा हूँ बास्केटबॉल खेलने, क्योंकि सीआरपी का मतलब एक गेम है 7 तारीख से, और इसीलिए प्रैक्टिस करने जा रहा है। और रनिंग कुछ दिन बंद है मेरा, इसीलिए बंद करके रखा है मतलब, तो जब पूरे शाम को मुझे बास्केट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ आज स्टेडियम। और स्टेडियम में कैसा है नहीं है सब दिखाऊँगा, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो अभी फ़िलहाल निकलता है, चलिए। तो गाइस फाइनली हम लोग स्टेडियम पहुंच गया, और स्टेडियम का ये मेन गेट है, ठीक है, इधर से अंदर जा सकता है। और अंदर में अभी क्या कर रहा है तो चलिए देखते। आज घुसते ही अंदर में फुटबॉल का मैच चल रहा है दिखाने को मिला, ठीक है, और एक क्लब लीग हो रहा है, बाहर से हर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है प्लेयर है, और ऊपर देख सकते हैं आदमी भीड़ है। तो ये फील्ड बहुत बड़ा है, एक साइड में पूरा एकदम फुटबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है, और दूसरा साइड में बच्चा लोग मतलब खेल रहे हैं अलग अलग गेम्स, ठीक है। तो अभी सामने जाते हैं फुटबॉल का एरा, छोटा बच्चा सब फुटबॉल का खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो लोग का प्रैक्टिस करता है ना, तो इसीलिए ये लोग का साइड में जगह है, तो ये लोग फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी जाता है वॉलीबॉल का पास, तो वॉलीबॉल का भी देख सकते हैं प्रैक्टिस कर रहा है ये लोग इधर, और क्रिकेट का भी उस साइड में कर रहा है। क्रिकेट का बच्चा ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, पूरा एकदम वाइट वाइट स्पॉटिंग में। अभी जाता है बास्केटबॉल, तो ये बास्केट का कोर्ट है, ठीक है, इधर बच्चा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सब, और सीआरपी लोग भी कर रहे हैं प्रैक्टिस, और लोग का 7 तारीख से मतलब गेम है ना, तो इसीलिए लोग भी कर रहे हैं प्रैक्टिस। और हम अभी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। फाइनली गाइस, मेरा वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा इतना तक ही था, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय।